राधे राधे। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा भाई है, वो बिल्कुल भी मम्मी पापा की सुनता नहीं है, हमारे साथ भी नहीं रहता, आता है कभी चला जाता है। फिर किसके साथ रहता है? अकेला रहता है। कितना बड़ा है, उम्र क्या है? 24 साल का है। शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। तो अलग अलग कमरे में, अलग मतलब घर पे ही अलग रहता है? नहीं, अलग ही कहते हैं, मेरे को अलग ही रहना है। शादी के पहले ही अलग? हाँ। तो अलग दूसरी जगह रहता है? हाँ, मतलब कि दूसरा मकान ले रखा है, वहाँ पे रहता है। तो क्यों ऐसा पूछा नहीं कि कारण क्या है? कहते यहाँ पे मन नहीं लगता, अकेले रहना है, बात नहीं सुनता। ले आना हमारे पास, बात करेंगे। उससे क्या है, उसके मन में आया है क्या? नहीं, वो नहीं आया। अकेला रह रहा मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है उसके दिमाग में, कुछ उसके दिमाग में कचरा भूसा चल रहा है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। जब बच्चे अकेले, मेरी मम्मी आई है। हाँ हाँ, तो माँ से बोलना, उसको समझाओ और कथाओं से, सत्संग से इस युवा पीढ़ी को जोड़ो, वरना ये बर्बाद हो जाएगी। और मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। तो आप मत दिया करो ना फोन। हाँ, आप फोन मत दिया करो, आप तो देती हो ना फोन। उसको कम देते हैं तो टीवी देखती है, और खेलने के लिए बोलते हैं तो आपस में ही बात करती रहती है। बच्चों के साथ उसको खिलाओ, बच्चों को बच्चों के साथ रखो, और टीवी और मोबाइल से बच्चों को। अच्छा, ऐसा है, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है, गिरी। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। ठीक है। हाँ, और बच्चे होने चाहिए घर पे। ठीक है, ताकि बच्चे बच्चों के संग खेलें, मोबाइल पे ना खेलें। जी गुरुजी। सीताराम। सीताराम गुरुजी, हम तुलसी माला पहने हैं और उसमें राम के नाम लिखा है, और हम गृहस्थ जीवन में है, क्या करें? सही तो है, क्या बुराई है? तुलसी में राम लिखा सही है। जैसे गुरुजी हम गृहस्थ जीवन में है, पहन सकते हैं ना? हाँ, पहन सकते हैं, क्या बुराई है, सही है। अच्छा ठीक, बिल्कुल। गुरुजी आशीर्वाद दिए, और हमारा पति, हम दोनों भजन करते राम के नाम, खूब जपो राम राम दोनों। ठीक है, और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि हमारे बच्चों भगवान के भजन में उनका भी मन लगे। खुश रहिए, लगेगा, कथा सुनो लगेगा। गुरुजी महाराज। हाँ जी बोलो। हनुमान जी को मिथिली का भोग क्यों लगता है? अरे मीठी होती है किसमित, वो क्या कहते हैं उसे? लट्टू। लट्टू नहीं, बूंदी। बूंदी, बूंदी का भोग। अरे भगवान जी को अच्छा लगता है बूंदी, अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है बूंदी। गुरु जी आपके संग फोटो भी खिंचवानी है। हाँ, खिंचवा लेना। अभी अभी आता हूँ। अभी रुक जाओ, अभी हम आएंगे तब खिंचवा लेना।